अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर GTA 5 ट्यूटोरियल वीडियो। तो भाई लोग, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये टॉपिक हम जो आज कवर करने वाले हैं, इसमें बहुत सारे बंदों को ये एरर आता है GTA 5 में जब वो मैप एडिटर या मेन्यू ट्रेनर यूज़ करते हैं अपनी GTA 5 में। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि ये ऑब्जेक्ट इनवैलिड का इशू कैसे फिक्स होता है। आपको और कहीं भी ये YouTube पे नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मैं ही बता रहा हूँ, किसी ने भी अभी तक ये वाला इशू फिक्स नहीं किया है, आज मैंने ये कर दिखाया है। तो गाइज़ इसी बात पे प्लीज़ लाइक कर देना। और दूसरी बात का गाइज़, ये वाला इशू कैसे होता है, मतलब कैसे ये इशू आता है, अगर आप कोई भी मतलब GTA 5 में कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई हाउस या कोई मैप एडिटर से कोई भी मैप इंस्टॉल करते हो और उसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना मिसिंग हो जाती है, मतलब इनवैलिड आती हैं, तो उसका ही प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करने वाले हैं और आज उसका ही जो है ना हम हल निकालने वाले हैं कि कैसे वो पूरे सारे ऑब्जेक्ट्स हम जो ना कंप्लीट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यार वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और एक इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत करना। अगर आपने कर दिया तो यार गेम में इशू आ सकता है, फिर मुझे मत कमेंट में बताना कि गेम खराब हो गई, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, ये हम आ चुके GTA 5 की वेबसाइट पर, और आपको करना क्या है कि इस मोड को आपने डाउनलोड करना है। इस मोड की मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें इस मोड में एक फाइल है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। हमें वो फाइल चाहिए या उस नहीं चाहिए, ठीक है। सबकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जल्द से जाओ इसको डाउनलोड करो और उसके बाद जो है ना वो वाली फाइल निकालेंगे, ठीक है गाइस। तो यार फटाफट इसको डाउनलोड करते हैं। अच्छा जी भाई साहब, यहाँ पर हमारा ये जो डाउनलोड हो चुका है, तो फटाफट हम दूसरी चीज़ें, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए हमें, स्क्रिप्ट भी चाहिए और उसके बाद चाहिए C++ 2013। अगर आप लोग दोनों ये इंस्टॉल करोगे तो आपका मोड काम करेगा, नहीं तो भाई नहीं करेगा। तो यार ज़रूर डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने चूज़ करना है आपका बिट कौन सा है। तो यार बिट आपका जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करते हैं। मेरा है 164, तो मैं 164 पे क्लिक करूँगा। अगर आपके पास 32 बिट है तो आप 86 पे क्लिक करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करते हैं अपना PC का जो होता है विंडो का 64 32 बिट, ये कौन सा कैसे चेक करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने PC की प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास है सिस्टम टाइप 64 बिट, मतलब 64 बिट। तो सिंपली इसको हम जो ना करेंगे 64 बिट वाला हम डाउनलोड करेंगे और भाई इंस्टॉल करेंगे। तो आपके पास अगर 32 बिट है तो यार आप 32 बिट मतलब 86 डाउनलोड कर लो। तो उसके बाद यहाँ पर हमारा डाउनलोड हो चुका है, तीनों फाइलें आ चुकी हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है कि सिंपली अपना जो ना इनको एक्सट्रैक्ट करना है सबसे पहले। तो सबसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद अपना स्क्रिप्ट भी इंस्टॉल कर देना। स्क्रिप्ट भी जो भी है, ये स्क्रिप्ट भी ये नए और पुराने जो है ना GTA 5 के साथ भी वर्क करता है, तो टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली दो फाइलें जो है ना ये हम कॉपी करेंगे, बीच वाली नहीं करेंगे, सिंपली इसको कर देंगे यहाँ पर पेस्ट अपनी GTA 5 में। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको जो है ना दूसरी फाइल आपको इंस्टॉल करनी है अपनी C++ 2013 वाला सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे ही आ जाओगे तो ये मेन्यू है, तो इस पर क्लिक करेंगे, एग्री करेंगे और सिंपली आपको करना क्या है कि इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो ये भाई साहब इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टॉल हो चुका है भाई लोग। ये हमारा बहुत ही थोड़ा सा टाइम लेता है इंस्टॉल होने में। तो उसके बाद यार सिंपली हमारा ये दोनों काम हो चुके हैं, तो इनको हम डिलीट भी कर सकते हैं, तो आप नहीं भी करो तो कोई बात नहीं। बाकी हमारी जो दूसरी चीज़ है वो है अपना मोड, मतलब जो हमने हाउस इंस्टॉल किया था उसमें कौन सी फाइल है मैं आपको बताता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद सिंपली मोड फोल्डर में जाना है। फोल्डर में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक फाइल मिलेगी जिसका नाम है अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट। तो सिंपली इसको हमने कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करने ना, मतलब इस मोड से निकाल देना है। उसके बाद इस मोड को आप डिलीट कर भी कर सकते हो। तो सिंपली मतलब और कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए थी फाइल वो। तो इसको हम जो है ना इसको मतलब मोड को हम ओपन करेंगे और इन दोनों फाइलों को हमें कॉपी करके अपनी GTA 5 में पेस्ट करना है। तो सिंपली हम जो है ना अपने फोल्डर को ओपन करेंगे और इस दोनों को फाइलों को जो है ना कॉपी करेंगे। तो भाई लोग यही है वो फाइल जिसकी मदद से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर मैं अपनी GTA 5 में पेस्ट कर रहा हूँ। तो भाई लोग यहाँ पर अपना ये वाला एरर जो है ना फिक्स हो चुका है। इसको चेक कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं कोई भी हाउस जो है ना अपना डाउनलोड करता हूँ वेबसाइट से और उसको मेन्यू की तौर पे इंस्टॉल करता हूँ और वो चेक करते हैं कि भाई उसके पूरे ऑब्जेक्ट्स जो है ना आ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर अपना ये वाला हाउस जो है ना हम डाउनलोड करके चेक करेंगे अपनी जो है ना GTA 5 में कि इसके पूरे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं या कोई भी मिसिंग नहीं हो रहा या नहीं हो रहा, मतलब कोई इशू तो नहीं आ रहा ऑब्जेक्ट इनवैलिड का। तो चलिए करते हैं भाई लोग, हम आ चुके हैं अपनी GTA 5 में। यहाँ
पर आपने करना क्या है, अपना मेन्यू ट्रेनर मतलब कि मेन्यू ओपन करना है F8 से और आपका मेन्यू ट्रेनर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा मेन्यू आ चुका है और सिंपली आपको करना क्या है, ऑब्जेक्ट्स कैसे चेक करते हैं, तो सिंपली आपको जाना है ऑब्जेक्ट स्पूनर में। ऑब्जेक्ट स्पूनर में यहाँ पर स्पूनर मोड ओपन करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स में जाना है और यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास कितने ज़्यादा ही ऑब्जेक्ट्स जो ना आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो ना कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ पर स्पॉन करके देखते हैं कि आ रहा है या नहीं या कोई मसला आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स जो है ना मैं जो भी मंगवा रहा हूँ वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो भाई लोग यहाँ पर आप जो है ना जो भी शो करना चाहते हो वो सब के सब आ रहे हैं, मतलब हमारा मोड जो है ना वर्क कर रहा है। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हो मैं स्पॉन भी कर रहा हूँ तो मतलब यहाँ पर हमारे पास ये आ रहे हैं। तो अपना जो मैंने हाउस इंस्टॉल किया था वो भी चेक करवाता हूँ मैं आपको कि वो भी आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई लोग बहुत ही मज़ेदार खतरनाक हाउस हमारा जो है ना स्पॉन हो चुका है पूरा और इसमें कोई भी इशू नहीं आ रहा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना मिस नहीं हो रहा है, मतलब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट एक हाउस जो है ना ब्यूटीफुल हाउस हमारा स्पॉन हो चुका है। तो देख सकते हो हमारा हाउस बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मतलब मज़ेदार यहाँ पर हम जो है ना मतलब बहुत सारे मज़े से रह सकते हैं और कोई भी मसला यहाँ पर नहीं आ रहा, मतलब कोई भी चीज़ हमारी मिस नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ भी इसमें मसला नहीं आ रहा, मतलब हमारा मोड जो है ना बहुत ही सक्सेसफुल वर्क कर चुका है और कोई भी मसला नहीं आ चुका है। तो यार आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर आपका भी इशू फिक्स हो चुका है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पे प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और गाइज इशू फिक्स हो गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार, ऐसे मत जाना। ओके तो यार खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।